How was the food? Why are you late? When will you come? Where is my phone? So friends, कभी सोचा है आपने? हर दिन आप कितने सारे क्वेश्चन एक दूसरे से करते हैं, कितनी सारी चीज़ें एक दूसरे से बात करते हैं, ओके? और इनका उत्तर भी देते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान से, बहुत ही बेसिक से, डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, और इनकी प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी है। जब आप खाली हों, जब भी आपको लगे कि हाँ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप हर दिन अपने किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेम्बर से ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन को दबाना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? ठीक है, तो एक रिप्लाई तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, आई एम अ डिजाइनर, मैं एक डिजाइनर हूँ। और दूसरा इस तरीके से दे सकते हैं, आई एम स्टिल स्टडिंग, कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलिए आई एम स्टिल स्टडिंग। ठीक है, और अगर आप डिजाइनर हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम अ डिजाइनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ इज इट गोइंग, मतलब कि कैसा चल रहा है। इट्स गोइंग फाइन, मतलब ठीक चल रहा है। अगर अब ठीक नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हैं नॉट दैट ग्रेट, कि मतलब उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। ठीक है, नॉट दैट ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। ठीक है, मैं जैसे बता रही हूँ माई सिस्टर, मतलब मेरी बहन, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं कांट से, इट्स डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, कि मतलब कह नहीं सकता, तय करना मुश्किल है कि कौन मेरा अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन के आंसर में दो तरीके से बताऊंगी, तो आप दोनों तरीके से आप देख सकती हैं, आपको जो सुटेबल लगे या फिर आपके जो भी कंडीशन के अनुसार हो उस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड यू डू ऑन संडे, की मतलब तुमने रविवार को क्या किया। ठीक है, नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। ठीक है, आई वेंट आउट ऑफ माई फ्रेंड्स, और एक तरफ रिप्लाई है नथिंग मच, कि मतलब कुछ नहीं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है। हाँ, मेरे पास है। अगर आपके पास है बोलिए यस आई हैव, नहीं है बोलिए नो, बट आई एम टेकिंग ऑफ थिंकिंग ऑफ बाइंग वन, कि मतलब नहीं, मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, नहीं है लेकिन मैं ख़रीदने का सोच रहा हूँ। बाइंग वन मतलब कि बाइंग मतलब ख़रीदना, थिंकिंग मतलब सोचना। ओके, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जरूर, श्योर, नो आई एम फाइन थैंक्स, नहीं मैं ठीक हूँ धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप बोलिए श्योर, अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से रिप्लाई दें, नो आई एम फाइन थैंक्स, कि मतलब ठीक है नहीं चाहिए धन्यवाद। ओके, तो दोनों ही तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं। हाउ फार इज योर होम, कि मतलब तुम्हारा घर कितना दूर है। इट्स नियर बाई, मतलब पास में ही है। ठीक है, और अगर दूर है तो आप बोलिए इट्स क्वाइट फॉर, ठीक है, फ्रॉम हियर, कि मतलब यहाँ से काफ़ी दूर है। ओके, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो। यस थैंक्स, मतलब हाँ धन्यवाद। नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि नहीं मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, आर यू हैप्पी विथ दिस फोन, क्या तुम इस फोन से खुश हो। किसी ने तुमको जैसे फ़ोन दिलाया, या फिर तुम कोई फ़ोन देख रहे हो, सामने वाला पूछ रहा है से, तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं यस इट्स अ ग्रेट फ़ोन, कि हाँ ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। दूसरा तरीका है नो माई लास्ट फ़ोन वॉज बेटर, कि नहीं मेरा जो पिछला फ़ोन था वो बेहतर था इस फोन से। ओके सॉरी, डू यू लाइक स्विमिंग, सामने से कोई पूछ रहा क्या तुम्हें तैरना पसंद है। डू यू लाइक स्विमिंग, अगर पसंद है तो हाँ बोलिए यस आई लव स्विमिंग, अगर नहीं पसंद है नो आई एम स्केयर्ड,
ऑफ वाटर, कि मतलब नहीं मुझे पानी से डर लगता है, नहीं मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, हर दिन के बोलचाल में आप जरूर यूज करते होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ वॉज द पार्टी, मतलब कि पार्टी कैसी रही। अगर आपको अच्छी लगे आप बोलिए इट वॉज फंटास्टिक, अच्छी नहीं लगी बोलिए इट वॉज अ बिट डल, मतलब कि थोड़ी सी नीरस थी, इट वॉज अ बिट डल। ओके, और अगर अच्छी है तो आप बोलिए हाँ बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। डिड यू सी द मैच लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात मैच देखा। नो आई वॉज टू स्लीपी, नहीं मुझे बहुत नींद आ रही थी। यस आई वॉज टिल नाइट, कि हाँ मैंने रात में कल देखा मैच। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही, हाउ वॉज द लेक्चर, मतलब लेक्चर कैसा था। इट वॉज क्वाइट ईजी, मतलब काफ़ी आसान था, या फिर आप कह सकते हैं आई कूडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, मतलब कि मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया, कि मतलब मुझे एक भी समझ में नहीं आया शब्द, मतलब कि लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, दोनों तरीके हैं, अगर आपको ईजी लगा हो तो आप बोलिए या इट्स क्वाइट ईजी। ओके, Do you have printer at home? क्या तुम्हारे घर में प्रिंटर है। No, I don't have. नहीं मेरे पास नहीं है। अगर है तो बोले Yes, I have, but isn't working, मतलब कि वह काम नहीं करता है। हाँ है मेरे पास लेकिन वो काम नहीं। Can you wait for some time? क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हो। Yes, बट मेक इट फास्ट, हाँ लेकिन जल्दी करो। ओके, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं जल्दी में हूँ। नो आई एम इन अ रश, नो आई एम इन अ रश, मतलब मैं जल्दी में हूँ। यस मेक इट फास्ट, मतलब कि हाँ जल्दी करो। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू गुड एट मैथ, कि क्या तुम गणित में अच्छे हो। यस इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, आपका अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो बोलिए यस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। नो आई डोंट लाइक इट एट ऑल, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बोलिए नहीं मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। हाउ आर योर फीलिंग, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है, आई एम फीलिंग ग्रेट, या फिर नॉट ग्रेट, Not that great, ठीक है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग ग्रेट, नॉट दैट ग्रेट, इतना बढ़िया नहीं। ओके, कैन यू स्पीक बंगला, क्या तुम बंगला बोल सकते हो। यस इट्स माई मदर टंग, ठीक है, अगर आप बोल सकते हैं आपकी मातृभाषा तो आप बोलिए हाँ इट्स माई मदर टंग, अगर आप नहीं बोल सकते तो बोलिए नो बट आई कैन स्पीक तमिल, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं आप इस तरीके से रिप्लाई दे सकते हैं, नो बट आई कैन तमिल, या फिर नो आई बट आई कैन। व्हेन इज योर बर्थडे, ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन कब है। इट इज़ ऑन 10th July, वो 10 जुलाई को। इट वॉज लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते था, ठीक है, इट वॉज लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते था। इट इज़ 10th July की, वह 10 जुलाई को है। वाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई। ये आप आंसर करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, सोचें और आंसर जरूर करें प्लीज़।